हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज मंत्रा। मैं हूं आपके साथ आरके करना। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे साथियों। तो देखिए, खबर बहुत तगड़ी है। उज़बेकिस्तान में हुआ था सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, आपको पता होगा जैसा कि। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग देश आए थे, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के पीएम, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे हमारे जयशंकर साहब, ठीक है, और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट आए थे अशरफ घनी साहब। अब साथियों, इसमें देखिए बात क्या है, इसमें मसाला क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ साथियों। इसमें अशरफ गनी साहब ने डायरेक्टली ऐसा बात कहा है वहां पर जिससे पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस जो है एक तरफ से सॉक्ड रह गई, ठीक है। और उसमें जयशंकर साहब ने भी उनका थोड़ा हाँ में हाँ मिलाया है, ठीक है। और इसके बाद जो हुआ वो आप आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और न्यूज दे दूं साथियों कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने धमकी दी है अफगानिस्तान आर्मी को कि अगर वो तालिबान के साथ कुछ भी हेर फेर करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स उन्हें छोड़ेगा नहीं, फिर उन्हें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ जाएगा। और साथ ही साथ 10,000 जिहादी फाइटर्स, कितने 10,000 जिहादी फाइटर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। जिसको लेकर अशरफ घनी साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम इमरान खान को कहा है, और इमरान खान ज्यादा दूरी पे नहीं, उनसे बगल में बैठे हुए थे। बहुत ही शर्मनाक बात है ये, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूं, अब ये खुद सुन लीजिए कि उन्होंने खुद क्या कहा है। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, ठीक है, आपने सुना और आपने समझा होगा। अब चलिए इसे थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए साथियों, क्या है कि जो भी कुछ हुआ है उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो है कम से कम 10 पाकिस्तान से 10,000 जिहादी फाइटर्स जो है वहां घुसे हैं। अब उसके बाद इंडिया ने भी क्या कहते हैं इसमें हाँ में हाँ मिलाया है। जब जयशंकर साहब की बारी आई थी बोलने की तो उन्होंने भी एक तरफ से ताना मारा पाकिस्तान को और इशारा किया कि भाई हमारे और उनके रिलेशन बहुत ज्यादा अब खराब हो चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो अपने रिश्ते तोड़ नहीं रहा है आतंकवादियों के साथ, इसीलिए वो अभी तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। ये अशरफ गनी साहब ने भी कहा, ये हमारे जयशंकर साहब ने भी कहा, ठीक है। पर इमरान खान साहब के पास कोई जवाब खासा था नहीं देने के लिए, वो कुछ बोल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि सर, हम तो खुद टेररिस्ट से घिरे हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं उनके कारण। हाँ, ये बात है, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में भी आतंकवादियों के कारण कुछ बहुत लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं, ये हर कंट्री जानती है। तो इसी के ऊपर काफी ज्यादा बहस हुआ, ठीक है। और ये ऐसा कॉन्फ्रेंस होता है जहां पे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे का बहुत कुछ कह जाता है और देश दूसरे देश को बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जब अशरफ गनी साहब ने जो खुलेआम कहा है पाकिस्तान के पीएम को, इमरान खान को, और सबके सामने कहा है, तो एक तरफ से पूरा कॉन्फ्रेंस शॉक्ड रह गया था कि ऐसा बात क्या बात है। मतलब इतना भयानक तरीके से साहब ने, गनी साहब ने सब चीज क्लियर क्लियर बोल दिया कि भाई 10,000 जिहादी आए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 10,000 जिहादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में एंटर किया है उन्होंने, 10,000 फाइटर जिहादी फाइटर्स जो हैं, ठीक है। अब वो अब तहलका मचा रहे हैं वहां पर आकर, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने काफी खुलेआम कहा है। इन अब क्या है क्या नहीं है वो तो अब आगे आने वाली रिपोर्ट्स ही बताएंगी, और क्या डिसीजन होता है इस चीज के ऊपर, है ना, तो वो अब आने वाले टाइम ही बताएगा। क्योंकि तुर्की भी जब अफगानिस्तान का हेल्प कर रहा है तो तालिबान उसे धमकी दे रहा है, तो बहुत सारा दिक्कत है वहां पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी और वीडियो भी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, और मिलता हूँ आपसे एक और लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।